बीबीएम एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। देखिए बनाकर देखो वन से लेकर के मैंने वन से एट नाइन टेन और ये इलेवन तक मैंने पार्ट वन पार्ट टू में बनाकर दे दिया है। आज पार्ट थ्री में ट्वेल्व का बात करें, कहानी लिखे और बनाकर देखे। जैसे कि देखिए एक नंबर लिख के दिखा दिया है, वैसे ही दो नंबर हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या है, 3.75 × 8 − 2.3 × 3। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 3.75 का 8 गुना रुपये पिता ने दिया किंतु 2.5 का 3 गुना मां ने ले लिया तो कितना रुपया बचा। देखिए ये गौ नंबर, ये हो गया ख नंबर गौ नंबर। देखिए इतना और इतना है तो लिख दीजिएगा, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 2.50 मीटर है एवं चौड़ाई 3.50 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही कहानी बनाना होता है। देखिए इसी प्रकार आप लोग कहानी बना दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि लिख लीजिएगा 3.75 का दो गुना पिता जी ने पैसा दिया एवं 12.50 का 3 गुना माता ने पैसा दिया तो तुम्हारे पास कुल रुपए कितना है, तुम्हारे पास कुल रुपए कितना है। अब देखिए सरल अंक का मान ढूंढे। अब सरल अंक का मान ढूंढेंगे तो इसको देखिए, इसको इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। देखिए पहला नंबर, देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले इसको गुना कर लेंगे। देखिए यहां पे जोड़, ये घटाव का साइन है तो इसको पहले गुना कर लेते हैं, 3.28 − 4.07 प्लस गुना कीजिए इसे। देखिए एक दो, तो यहां पे दो से गुना करते हैं, पहले दो से गुना कर लेते हैं, 7 × 2 = 14, 1 × 2 = 4, 4 × 1 = 5 हो गया। अब देखिए 1, 2, 3 तीन संख्या के बाद दशमलव देना है, ये दे देंगे, ये हो गया। इतना ही करने से हो जाएगा क्योंकि गुना है, तो इससे उसको गुना कर दिया, तीन संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तीन संख्या के बाद दशमलव दे दिए। अब देखिए ये यहां प्लस है और यहां पर प्लस है, तो ये दोनों प्लस पहले जोड़ देंगे, तो चार, देखिए चार, चार का पहले चार ले देते हैं, 5 और 8, 8 × 5 = 13, 1, 1, 3 अब देखिए दशमलव हो गया यहां पे 13, घटाओ 4.07 इसमें घटा देंगे,
पहले ये क्या है, ये फोर है, फोर लिख देंगे। अब देखिए यहां पे थ्री है तो एक लेंगे, तेरह, तेरह में से सात घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, छ। अब देखिए फिर यहां पे दो होगा तो दो लिख देंगे। अब देखिए इसमें से घटा देंगे तो नौ, ये हो गया आपका आंसर। तो देख लीजिएगा ये आंसर होगा तो सही है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको प्लस कर लेंगे। देखिए नौ छ पंद्रह एक, देखिए नौ छ पंद्रह एक तो तीन, छ और पांच ग्यारह, एक दो, अब देखिए इसको ब्रैकेट को हटा देंगे, ये भागा पांच। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, इसको घटा देंगे, पांच सौ पांच के जीरो, पांच तीन आठ, चार और ये दो, अब भागा पांच। अब देखिए भाग दे देंगे, एक दो जीरो जीरो, पांच का प्लस है, पांच देंगे पचास, पांच का प्लस है, पांच चौका बीस, नौ पच पैतालीस, ये हो गया आंसर। अब देखिए तीन नंबर, ये देखिए ये गुना कर दीजिए, आठ दुना सोलह एक, सात दुना चौदह एक पंद्रह, एक दो, दो संख्या के बाद दशमलव दे दीजिए तो हो जाएगा। अब घटा दीजिए इसमें, देखिए यहां पे कुछ नहीं तो जीरो, दस में से चार और ये हो गया सात, सात में से दो और ये छ। देखिए उसके बाद हम लोग इसमें करेंगे सिक्स पॉइंट टू फोर डिवाइड वन पॉइंट टू, अब कर दीजिए सिक्स पॉइंट, ये देखिए ये यहाँ पे जीरो। अब देखिए बारह का प्लस काट देते, बारह धन एक सौ बीस, बारह बारह पंचे साठ और बारह दूना चौबीस, तो ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार आप लोग कर दीजिएगा। अब देखिए चार नंबर, देखिए इसको इससे गुना कर लीजिएगा, इसको इससे कीजिए, पांच पांच सत पैंतीस, तीन पांच या पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, फिर इसको तीन से कीजिए, तीन पच्चे पंद्रह, हाथ मार एक, तीन तीन नौ, नौ एक दस, अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो पांच आठ पांच तेरह, एक दो एक, अब देखिए कितना संख्या, एक दो तीन चार, चार संख्या के बाद दशमलव, एक दो तीन चार, ये संख्या के बाद दशमलव, क्योंकि जीरो जीरो तो हो जाएगा तो दशमलव जीरो दे दीजिएगा तो हो जाएगा। अब प्लस देखिए इसके बीच में भी वही गुना कर देंगे, पच्चीस पच्चीस दो, पांच 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 दो सात, फिर एक जीरो है तो आप जी लिख सकते हैं जीरो, फिर देखिए यहां से पांच और एक, एक जीरो लिख दीजिए, देखिए पांच सात पांच बारह दो जीरो, अब देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ पे दशमलव दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ये पहले दो से कर लीजिए गुना, ये गुना करेंगे ये इससे गुना कर लीजिए, फिर डबल कर देंगे हम लोग, तो पांच से पच्चे पच्चीस, दो पांच या पंद्रह सोलह सत्रह, देखिए पांच से पांच, एक से पांच फिर तीन,
फिर अब देखिए गुना दो से भी करना है तो ये गुना दो से दूसरा लाइन में करेंगे, तो पहले इसको कर लेते हैं, 5 7 5 12 की दो हाथ में ले, 1 4 4 1 5 देखिए 1 2 3 4 तो ये 4 × 2 प्लस यहाँ का साइन दे दीजिए और फिर लिख लीजिए एक बार 0.1235 प्लस 0.0225 प्लस इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 के हाथ में 1 2 4 1 5 हाथ में 1 5 × 10 5 × 10 की 0 हाथ में 1 ये 1 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा, इतना लिख दीजिएगा आप लोग। अब सबको जोड़ देंगे, अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, 0 5 5 5 × 10 की 0 हाथ में 1 6 6 6 6 2 8 8 9 10 11 11 की 1 1 1 3 3 3 2 5 देखिए 1 1 1 1 2 ये हो गया आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 5 नंबर बनाएंगे और ये आखिरी नंबर है, ये पार्ट 3 का आखिरी नंबर, 4 − 0.7 ये देखिए छोटी ब्रैकेट में ये दे दिया है और गुने 5 / 193 ये दशमलव, इसमें इसको घटा दीजिए पहले, तो ये घटाइए तो क्या होगा, तो 10 इसमें कुछ नहीं है, दशमलव देके घटा देंगे तो 3 और 9 9 का 9 हो गया और 1 1 हो जाएगा, ये गुना 2.5। हालांकि हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेते हैं और ये डिवाइड है 193, तो इसको गुना करेंगे अब ब्रैकेट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.93 × 2.5 और ये भाग में है 1.93, तो इसको डिवाइड में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1.93 × 2 और भागा 1.93, ये दोनों कट गया तो हो गया 2.5 आंसर। इस प्रकार देखिए हम लोग का बनाकर देखें अध्याय 7 क्लास 6 का पूरा समाधान हो गया, और इसके पहले देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया था मैंने, तो वो वीडियो देख करके आगे का सवाल हल कर लीजिएगा।